आप सब विचार कर रहे होंगे कि ये गौर गोपाल दास जी को क्या हो गया, ये हिंदी में वीडियो क्यों बनाने लगे। हाल ही में हम ये फेसबुक लाइव सेशन कर रहे थे जहां सब लोग अपनी आदतों को बदलने का प्रयास कर रहे थे। इस सीरीज का नाम था 21 डेज हैबिट चैलेंज। तो कई जो श्रावक थे, श्रोता थे, उन्होंने सुझाव दिया कि आप हिंदी में भी बोलना शुरू कीजिए। और हमारा विचार था कि हमारे सारे भारतीय बंधुओं को और सारे भारतीय बहनों को हमको हिंदी में ये संदेश सुनाना है। लेकिन एक दिन तो हद हो गई, एक व्यक्ति बार बार कमेंट कर रहे थे हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, और हमने ध्यान नहीं दिया तो कमेंट किए हिंदी में बोल कुत्ते, हिंदी में बोल, हमको कुत्ते कहा उन्होंने। अब हिंदी में जब किसी को आप कुत्ते कहते हो ना तो चोट पहुंचती है, लेकिन संस्कृत में वही शब्द कुत्ता जब संस्कृत में कहा जाए श्वान तो उतनी चोट नहीं पहुंचती। हिंदी में आपको किसी को मूर्ख कहना है तो आप कहोगे गधे कही के, चोट पहुंचती है ना किसी को गधा कहो तो। संस्कृत में यदि आपको किसी को गधा कहना हो तो आप कहोगे हे वैशाख नंदन। अब जिसने भी ये वीडियो देखा है उसको आप वैशाख नंदन नहीं कहिएगा, वो समझ जाएगा आप उसको गधा कह रहे हैं। संस्कृत भाषा ऐसी है, ये सुसंस्कृत लोगों की भाषा है और इसीलिए इसमें कठोर से कठोर वचन जो होते हैं उसका प्रभाव भी मृदु हो जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। अब यदि संस्कृत भाषा में आप किसी आधुनिक उपकरण, आधुनिक वस्तु, आधुनिक व्यंजनों को नाम देने का प्रयत्न करें तो कैसे सुनाई देगा। यदि आपको संस्कृत में आइसक्रीम कहना है तो आप कैसे कहोगे, दुग्ध शर्करा युक्त हीम घनगोल गट्टू। अब कुछ लोग होते हैं उनका यह विश्वास होता है कि जीवन दुग्ध शर्करा युक्त हीम घनगोल गट्टू आइसक्रीम के समान होना चाहिए। उनके जीवन की फिलॉसफी, उनके जीवन का सिद्धांत है कि जीवन एक आइसक्रीम के समान है, पिघलने से पहले मौज कर लो, पिघलने से पहले मजा कर लो। ये लोग स्वार्थ का जीवन जीते हैं, बस मैं और मेरा। किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में भोग करो, मौज करो, मस्ती करो और खुद सुखी रहो और खुश रहो। हम कई बार कहते हैं जीवन एक मोमबत्ती की तरह होता है, जिस प्रकार से आइसक्रीम पिघलती है उस प्रकार से मोमबत्ती भी पिघलती है। और मोमबत्ती के पीछे का सिद्धांत है पिघलने से पहले दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओ। आइसक्रीम भी पिघलती है, मोमबत्ती भी पिघलती है, लेकिन मोमबत्ती पिघलते पिघलते दूसरों के जीवन में प्रकाश लाती है, दूसरों के जीवन का कल्याण करती है। और इसीलिए हमारे जीवन की यात्रा आइसक्रीम से मोमबत्ती तक की यात्रा है। इस संसार में कई मोमबत्तियां हुई है जिन्होंने निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा की है, जिन्होंने अपनी मौज, अपनी मस्ती, अपना सुख इसका विचार ही नहीं किया है। हम में से कई लोग हैं जो ये मोमबत्ती नहीं बन सकते, किंतु क्योंकि हम मोमबत्ती नहीं बन सकते इसलिए हमको आइसक्रीम नहीं रहना चाहिए। आइसक्रीम से धीरे धीरे मोमबत्ती की ओर प्रगति करनी चाहिए। निश्चित रूप से जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के जीवन में कुछ योगदान देते हैं, इस सेवा से, इस सहायता से, इस योगदान से हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। यदि जीवन में सच्चा संतोष पाना चाहते हो, यदि जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करना चाहते हो तो भले छोटी मात्रा में क्यों ना हो लेकिन निस्वार्थ सेवा करने का प्रयत्न कीजिए। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं यदि वास्तव में आपको योगी बनना हो तो सर्वप्रथम किसी के लिए उपयोगी बनो।